ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण उत्तर एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक जे एन के इंटर कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मुस्तफा हुसैन ने की और कहा, सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है जिससे शिक्षणेतर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। प्रदेश महामंत्री संतोष तिवारी ने बताया, संगठन ने जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक संघर्ष किया है। अपनी बात माननीय शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक अपनी बात पहुँचाई और मांगें पूरी नहीं हुई तो विवश होकर संगठन ने संघर्ष का निर्णय लेकर कार्यक्रम तय किया है। आइए देखिए क्या कहा। मैं संतोष तिवारी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षण उत्तर एसोसिएशन। बैठक का उद्देश्य, आज की ये बैठक पूर्व निर्धारित एजेंडा के अनुसार ये जे एन के इंटर कॉलेज कानपुर में आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश के 75 जिलों से हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आज हम संघर्ष की रूपरेखा बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सरकारें आ रही हैं कर्मचारी हित में कार्य नहीं कर रही हैं। जैसे कि हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद लगभग शून्य हो गए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनकी लैबें हैं, इनको कौन चलाएगा? आज शिक्षक पद के विज्ञापन निकाले गए हैं, समाचार पत्रों में आया है। अगर शिक्षक हैं तो लैब में लैब सहायक कहाँ से आएगा? तो हम आज के इस बैठक में हम लोग संघर्ष की रूपरेखा बनाएंगे, जनपद मंडल और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगें शिक्षक पद के पदोन्नत, अवकाश नकदीकरण और चिकित्सीय सुविधा लाभ जैसी सुविधाएँ दी जाए। धन्यवाद। प्रदेशी अध्यक्ष मुस्तफा हुसैन, माध्यमिक शिक्षण का सर आज क्या एसोसिएशन। आज की बैठक प्रांतीय कार्य समिति की बैठक है। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है और इसमें हम अपना प्रदेशी संघर्ष कार्यक्रम और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और उस पर हम रेजोल्यूशन पास करके जनपदों तक भेजेंगे और विभिन्न संघर्ष के कार्यक्रम को हमारे निर्धारित होंगे। उन संघर्ष के कार्यक्रमों से प्रदेशी सरकार को भी अवगत कराएंगे। जैसे धरने का कार्यक्रम है, प्रदर्शन का कार्यक्रम है, हमारी जो मूलभूत समस्याएँ हैं जैसे कि शिक्षक पदों पर पदोन्नत और अवकाश नकदीकरण, चिकित्सीय सुविधा और ये वेतनमानों में विसंगतियाँ, ये सारे